सत्ता से हटा करके नए विचार के विकास, नए लोगों की और नए विचार का लोहियावादी समाजवादी पार्टी को सत्ता उपलब्ध। ये इशारा किया कि मैंने मतदान किया, दूसरा इशारा हमारा विक्ट्री का है। आज चौथे चरण का मतदान चल रहा है, इस समय मौजूद है रायबरेली जिले की शहर सदर सीट की एजीएस पब्लिक स्कूल में। आप देख सकते हैं यहाँ पे मतदान लगातार लोग कर रहे हैं। और बात की जाए तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री हैं सुरेश पांडे, इनसे हम जानते हैं कि आखिर इन्होंने अपने मत का प्रयोग किया और क्या मुद्दे रहे हैं इस बार। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर एक्सप्रेस में। आज आपने अपने मत का प्रयोग किया, क्या मुद्दे थे और क्या आगे? पहले हमने ये इशारा किया कि मैंने मतदान किया, दूसरा इशारा हमारा विक्ट्री का है कि हम अपने प्रत्याशी की विजय सुनिश्चित करते हैं। और इसके अलावा मुझे ये कहना है कि यहाँ रायबरेली जनपद में अगर किसी से समाजवादी पार्टी की लड़ाई है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से। क्या लग रहा है, 9 जिलों में मतदान हो रहा है और पिछले तीन चरण के मतदान हो चुके हैं, किस इस बार किसकी सरकार देख रहे हैं? क्योंकि देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं सरकार और योगी आदित्यनाथ गर्मी और सर्दी का। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके मुखिया योगी है, जिनको लोग अब बुलडोजर बाबा के नाम से कहते हैं। यहाँ की जनता उनके झूठे वादे, झूठे पुलंदों, तो मुगरी लाल के सपने जैसे दिखाने जैसी बातों से त्रस्त आ चुकी है। इसलिए यहाँ का नवयुवक, यहाँ की जनता इस बात पर तुली है कि अब की इनकी इनको सत्ता से हटा करके नए विचार के विकास, नए लोगों की और नए विचार का लोहियावादी समाजवादी पार्टी को सत्ता उपलब्ध। अच्छा, देखा जाए तो रायबरेली की कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहाँ पे देखा गया कई दिग्गजों का लगातार जमावड़ा रहा, क्या लग रहा है कि गांधी परिवार से इस बार बीजेपी? वो सब घबराए हुए हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हैं और चाहे बीजेपी के लोग हैं, वो सब घबराए हुए हैं। वो घबराए हुए हैं अखिलेश यादव के जुझारू नेतृत्व से, अखिलेश यादव के विश्वास से। इसलिए ये नहीं साबित करता कि कोई बड़ा नेता आ जाएगा, योगी आ जाएंगे, मोदी आ जाएंगे, प्रियंका आ जाएंगी तो ये वोट दिला देंगे। ये सब वोट कैचर नहीं है, इनका वक्त गया, अब नया वक्त शुरू हो गया, नया सवेरा शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश को नई सरकार मिलेगी, वो अखिलेश यादव के और मुलायम सिंह के संरक्षण प्राप्त पार्टी से ही, उनके आशीर्वाद से ही ये नई सरकार बनेगी। रायबरेली ज़िले में 5 विधानसभा सीटों में कितनी सीटें समाजवादी पार्टी इस बार ला रही है? मुझे बता दीजिए कितनी सीटें हैं, आप ही बता दीजिए। 6 सीटों में 6 सीटें समाजवादी पार्टी। तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रहे सुरेश पांडे, जिन्होंने बताया कि रायबरेली की विधानसभा 6 सीटें हैं, 6 सीटें पर समाजवादी पार्टी का इस बात का प्रयोग।